तो गाइस यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जैसा आपको पता है हमारा जो माउंटेन बेस है उसके ठीक नीचे यहाँ पे हमारा एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल है, ठीक है। एंड गाइस मेरे ऑलमोस्ट सभी के सभी विलेजर्स डिस्पॉन हो चुके हैं। एंड गाइस जो नॉर्मल विलेजर बिल्कुल भी नहीं थे, वो इतने इंपॉर्टेंट विलेजर्स थे ना, क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी मेंडिंग और अनब्रेकिंग थी, इतनी ओपी ओपी बुक्स देते थे ना। लेकिन गाइस पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे सारे विलेजर्स गायब हो चुके हैं। एंड गाइस लाइब्रेरियन के साथ साथ मेरा स्टोन कटर वाला बंदा भी चल गया, एंड उसको मैंने मैक्स कर रखा था। एंड बस अभी मेरे बाकी के कुछ विलेजर्स बचे, जैसे ये कौन सी बुक दे रहा है। ओ माय गॉड, मेंडिंग वाला विलेजर अभी बचा हुआ है भाई साहब, मुझे लगा ये भी चला गया। एंड गाइस ये जो फार्मर है ये डिस्पॉन है, वे पता नहीं क्यों, बट इनको मैंने मैक्स करा, वैसे मेरे इतने काम के नहीं है, मैं इनको बस अपने बैलेंस बेचता हूँ। एंड गाइस ये चीज़ मेरे साथ पहली बार नहीं हुई, बहुत बार हो चुकी मेरे साथ, लेकिन इस बार बहुत ही गलत वाला सीन हो गया, क्योंकि इस बार मेरे बढ़िया बढ़िया वाले विलेजर्स गायब हो गए। तो इसलिए गाइस मैं सोच रहा क्यों ना इस वाले वीडियो में हम बनाते ट्रेडिंग हॉल। एंड गाइस ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें अगर हम विलेजर्स को रखते हैं तो डिस्पॉन नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि विलेजर ट्रेडिंग हॉल ना इस वाले से ज़्यादा बेटर है, जो भी चैम्बर बना रखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि गाइस जो कम स्पेस खाता है एंड उसमें विलेजर्स में बहुत सारे रख सकता हूँ। एंड इधर तो आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा विलेजर्स रख दो ना तो यहाँ पे भीड़ जैसी हो जाती है। एंड गाइस उस ट्रेडिंग हॉल में हम अपने इतने बड़े बड़े वाले विलेजर्स रखेंगे, जैसे मेंडिंग होगा, अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी और बहुत ही ओपी ओपी इंजेंटमेंट वाले लाइब्रेरियन रखेंगे वहाँ पे। और साथ साथ मैं इन विलेजर्स को भी शिफ्ट कर दूंगा वहाँ पे, एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मैंने सुना है, एंड कई लोगों ने तो बना भी रखा है इवन। तो अगर जगह तो मैंने पहले से छांट रखी कि मैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल को कहाँ पे बनाऊंगा, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको इस वाली जगह पे बनाऊँ, क्योंकि देखो मेरे घर के थोड़ा बहुत पास ही पड़ता है एंड साथ साथ यहाँ पास विलेज भी है। एंड का सबसे बड़ा रीज़न इसको यहाँ पे बनाने का क्योंकि यहाँ पे रेल सिस्टम बहुत ज़्यादा पास है। तो जैसा आप जानते हो वहाँ पे मेरा विलेजर ब्रीडिंग हॉल है, ठीक है। एंड वहाँ से मैं आराम से विलेजर ट्रैवल करके अपने सीधा ट्रेडिंग हॉल पर ला सकता हूँ। और इस विलेजर ब्रीडर में ना बहुत सारे विलेजर मैंने पहले से ब्रीड करके रख रखे, मेरे ख्याल से अब तक बड़े हो भी चुके होंगे। नहीं अब तक तो नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे बड़े हो जाएंगे। एंड गाइस ओ माय गॉड, इवन यहाँ भी विलेजर डिस्पॉन हो गए भाई, बहुत कम विलेजर्स है, पहले तो इतने सारे विलेजर्स थे ना यहाँ पे। ओ माय गॉड भाई, ये ट्रेनिंग हॉल तो मुझे बनाने पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एरिया के सभी विलेजर्स डिस्पॉन हो जाए, तब मुझे बहुत दूर से विलेजर्स लेके आने पड़ेंगे। तो असल में इस ट्रेनिंग हॉल को बनाने के लिए वैसे मेरे को इतने इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं लगेगा, मेनली इसमें मेरे को कुछ ब्लॉक्स और ट्रैपडोर्स लगेंगे एंड साथ साथ विलेजर्स तो चाहिए चाहिए। तो गाइस मैंने पहले से सोचा कि उस ट्रेडिंग हॉल को मैं बिल्कुल अपने स्टोन ब्रिक्स से एंड साथ साथ कुछ लॉक्स का यूज़ करके बनाऊंगा, जो कि रहेंगे ओक लॉक्स। एंड साथ मेरे पास ओक लॉक्स नहीं है, वो है मेरे इन्वेंटरी में पहले से, चलो सही है। एंड साथ मुझे कुछ ट्रैपडोर भी चाहिए जिसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत आयरन भी लगेगा, तो आयरन तो वैसे मेरे पास तो होना चाहिए। एंड नो इधर तो नहीं है। तो गाइस हम असल में किसी और ट्रैपडोर का भी यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मैं आयरन ट्रैपडोर का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास आयरन भी नहीं है ना इसीलिए। एंड गाइस हमारे पास आयरन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है, तो मुझे फटाफट से ना अपने उस आयरन फार्म को फिक्स करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा ट्रैपडोर नहीं बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 10 मेरे ख्याल से वैसे काफ़ी रहेंगे, 12 ओके 12 वैसे बहुत है। तो मैं सबसे पहले एरिया को मार कर देता हूँ जो कि है यहाँ पे। नहीं 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 ये थोड़ा पास पड़ रहा है, इसको थोड़ा दूर बनाते ना, इतना काफ़ी है, ठीक है। 1 2 3 ब्लॉक्स का रहेगा ये वैसे, एंड 1 2 मे बी इतना काफ़ी है, इतना तो होना चाहिए काफ़ी, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ना विलेजर को रखने के लिए। एंड बाकी जो स्पेस है इसको मैं ऐसे भर दूंगा स्टोन ब्रिक्स से। तो फिलहाल देखते हैं जितने हमारे पास ब्लॉक्स हैं मैं सभी का यूज़ करूँगा, एंड देखते हैं हम इसको कितना लंबा बना सकते हैं। सो गाइस मुझे अभी भी पता चला मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता, मेरे को वैसे 12 का वो बनाना पड़ेगा। जैसे ये एक स्पेस नहीं यहाँ पे दे रखा मैंने, वैसे मुझे 12 का स्पेस देना पड़ेगा, जैसे एक ही हो गया और दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया, तो ऐसे बनाना मुझे। तो गाइस ये कुछ ज़्यादा लंबा बन रहा है जिससे यहाँ पे मेरे पास स्पेस की कमी पड़ रही है, तो मैं सोचा अभी के लिए इसको मैं 10 का ही बना देता हूँ। और हमारे पास स्टोन ब्रिक्स की कमी पड़ गई, अब जाके मेरे को वापस से लेकर आने पड़ेंगे कुछ स्टोन ब्रिक्स। तो मे बी इधर होगा ढेर सारा स्टोन, ओ यस है, एक स्टैक तो पड़ा है यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो चलो अभी के लिए एक स्टैक ही लेके चलते हैं, अगर और पड़ेगी तो मैं थोड़ा माइनिंग करके भी ले लूँगा। एंड इधर लगा देता हूँ मैं अपना ये ओक लॉग। अब देखो इधर लगेगा मेरा वर्क स्टेशन, ठीक है। एंड इधर क्या लगेगा, इधर छोड़ो यहाँ तो वर्क स्टेशन लगेगा, तो मैं फिलहाल के लिए अभी इनको टेम्परेरी ब्लॉक की तरह लगा देता हूँ। तो गाइस मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जो बाकी के बचे स्पेस है ना मैं यहाँ पे ओके खंभे जोड़ देता हूँ ऐसे, इससे डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ओ लकड़ी की कमी पड़ गई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लकड़ी है, इतना तो मेरे ख्याल से काफ़ी होगा 16। तो यहाँ तो हमारा ट्रैपडोर लगेगा, ठीक है, बीच वाले ब्लॉक में। एंड ऊपर वाले ब्लॉक में मैं लगा देता हूँ अपना स्टोन ब्रिक्स। अब थोड़ा शेप नहीं लग गया ये, एंड ये कुछ ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। अब देखो ना कब कितना बढ़िया लग रहा है ये।
अब तो वैसे फिलहाल के लिए तो ठीक लग रहा है, मैं साइड वाले खंभे को चेंज कर दूँगा जिससे ये ना इससे थोड़ा डिफरेंट लगे। और जो बीच में स्पेस बचा ना, यहाँ पे भी मेरे को स्टोन ब्रिक्स लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। एंड जो ट्रैप डोर लेके आया था ना मैं, इसको मैं ऐसे लगाऊंगा, दिखाता हूँ मैं ऐसे करके। अब देखो मैं इसे बंद भी कर पाऊंगा, खोल भी पाऊंगा, और जब भी मेरे को ट्रेड करनी होगी मैं ऐसे आया करूंगा, इसको खोला करूंगा और ट्रेड कर लिया करूंगा, फिर बंद कर दिया करूंगा। एंड जॉम्बी वगैरह इसके आर पार भी नहीं जा सकते। अगर मैं इसको अंदर से लगाता तो मेरे ख्याल से पूरा स्पेस फिल हो जाएगा, एक बार देखते हैं। हाँ ऐसे करके लगाता हूँ मैं, इससे तब बढ़िया भी लगेगा जब मैं ट्रैप डोर को बंद कर दूंगा। लेट्स सी कैसा लग रहा है। ओ भाई अब देखो ना, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल शेप में आ चुका है ये। वैसे सही है यार, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये। एंड देखो ये तो मैंने बना दिया, अब मुझे थोड़ा वर्क स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैक्टन्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेनली लाइब्रेरियंस को रखना है, तो मेरे को लैक्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी 15 लैक्टन्स। वैसे को 10 की ज़रूरत है तो 10 ही बनाऊंगा मैं, और एक गलती से एक ज़्यादा बन गया। एंड देखो मैं लैक्टन्स लेके आ चुका, तो इसका मतलब नहीं कि मुझे इसको अभी लगाना है, जब मैं विलेजर्स को यहाँ पे रख दूंगा ना तब लगाना मुझे यहाँ पे, क्योंकि इससे तब ना थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है विलेजर्स के बीच में। एंड मुझे बस क्या करना है, मुझे यहाँ से तोड़ देना है इसको, ठीक है इधर से तोड़ देता हूँ मैं फिलहाल के तो, और मुझे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है ऐसे करके। हाँ सही है, और मुझे अब इसको ना इधर ऊपर से लेके जाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ऐसे। और एक स्पेस मैंने इसलिए छोड़ रखा जिससे यहाँ पे ना विलेजर आकर रुक जाए, और अगर मैं यहाँ पे ना लगा दूंगा ना तो विलेजर से वापस भाग जाएगा अपनी माइंड कार्ड लेके, और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो चलो विलेजर को लेके आते हैं। एंड वहाँ पे मेरे ख्याल से 2-3 विलेजर है मुश्किल से। ओके ओके ये हमारा वो, और मैं इसको तोड़ के ना यहाँ पे माइंड कार्ड लगा देता हूँ। अब मुझे एक विलेजर चाहिए यहाँ पे, विलेजर भाई साहब तुम आ जाओगे प्लीज़। ओ आ गया आ गया, इसको बंद करो। चलो भाई हमारा काम बिल्कुल सही है ऐसे चाहे। इनको समझे ना भागने की पड़ी हुई रहती है, तो ऑटोमेटिकली आके वहाँ पे बैठ गया, लेकिन इसको के पास ज़िंदगी भर जेल में जाने वाला है। वो देखो वहाँ चला गया वो। अब मेरे को बस हल्का हल्का धक्का मारना है एंड चला जाएगा। नहीं 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 भाई साहब गलत गलत गलत, अरे भाई यार, अरे यार वापस चला गया। इसी की तो मैं बात कर रहा था, बार बार वापस चले जाते ना, ये भी दिक्कत है। अब देखो फिर से वापस चला जाएगा, यही तो था, अभी यहाँ वह चक्कर काटता रहेगा। चलो यार मैं इस बार होप करता हूँ इस बार हो जाइए आराम से, धक्के मारने पड़ेंगे मेरे को सीढ़ी में भी। चल 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 भाई भाई पे चलो। ओ भाई सही है सही है, इसको मैं सबसे कॉर्नर वाले उसमें रखूँगा, और ये इसको। ओ नहीं 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 भाई भाई भाई, अरे यार ओ शीट गलत हो गया यार, अब वो वापस चला जाएगा, मेरे को फिर से लेकर आना पड़ेगा। ये तो दिक्कत होती है इन विलेजर्स के साथ। एंड मुझे इससे सबसे ज़्यादा टाइम ना इन विलेजर्स में लगता है, और जैसा आप जानते हो विलेजर्स कितने ज़्यादा अनोइंग है। अब मेरे ख्याल से ना अगर मैं इसको तोड़ूंगा, अबे यार क्यों, अरे अरे भाई इस बार सही हो गया यार बिल्कुल। गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वाली गड़बड़ हो चुकी है, वो सारे के सारे छोटे विलेजर्स मेरे ख्याल से इस वाले छेद से ना बाहर चले गए हैं। अरे यार भाई क्यों यार। तो गाइस मैं अपने साथ कुछ ओक और ब्रिज के लॉग लेके आया हूँ जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैं सोचा कि ना मैं ब्रिज को ना साइड में यूज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइट रहता है कंपेयर टू ओक। तो अगर मैंने इसको ऐसा यूज़ करा और इस पर मैंने ऐसे मार दिया तो थोड़ा बहुत फर्क दिखता है, ठीक है। ये हल्का फुल्का वाइट है और थोड़ा हल्का सा डार्क है इससे, तो मैं हर जगह ना इसको ही लगा देता हूँ जो भी कोने कोने वाला साइड रहेगा। ओके मेरे को ना इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अब मेरे को ना चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तभी तो आएगा लुक, तभी ऐसा लगेगा कि थोड़ा सीलिंग टाइप का इसमें। चलो थोड़ा बहुत बन तो चुका है, मैं इसको ऊपर से इसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर से ना विलेजर्स डालने। एंड अभी मेरे हिसाब से थोड़ा लुक अच्छी हो चुकी है, बस यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। एंड यस अब लग रहा है ना बढ़िया। तो शुरुआत में तो मैं ये सोचा था कि मैं अपने घर के विलेजर्स ना यहाँ पे ला के डाल दूंगा, लेकिन मैंने सोचा अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देना तो वहाँ पे रहेगा कौन मेरे साथ रहने वाला, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा वहाँ पे इसीलिए। एंड मुझे पता है माइनक्राफ्ट है ये गेम है, लेकिन फिर भी अकेला रहना किसको पसंद है यार। बच गया। नो 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 नहीं 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 अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना बस उधर जाओ। चल 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 ये हुई ना बात। अरे भाई तेरे को मार नहीं रहा, मैं जेली में तो बंद कर रहा हूँ यार, इतना कूद के आई को रहा है। अब गया ना नीचे। तो गाइस इस ट्रेडिंग हॉल की लुक को मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगा एंड बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का ले जाऊंगा, तो वो अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो जरूर करना, एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट 10,000 लाइक्स। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।